आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पीनट जैगरी चिक्की, यानी कि मूंगफली, पीनट्स और जैगरी यानी गुड़, इसकी चिक्की, इसको गजक भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी होती है, और ठंड के दिनों में तो इसकी बात ही कुछ और है। तो करना क्या है, सबसे पहले ये मैंने 200 ग्राम मूंगफली ली हुई है और 200 ग्राम ही मेरे पास गुड़ है, तो मूंगफली को हमें एकदम धीमी आंच पे भूनना है और अच्छी तरह से भूनना है, ताकि मूंगफली जो है हमारी या पीनट्स जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए ये मूंगफली डाल देता हूं मैं और इसको एकदम धीमी आंच पे भूनना है हमें चलाते हुए, ताकि जो मूंगफली है आपकी इवनली पके। और आप चाहे तो इसको टॉस भी कर लें, और इसको भूनने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। तो चलिए हम 5 मिनट तक इसको चलाते हुए भूनते हैं और बीच बीच में इसको टॉस करते रहें, ताकि मूंगफली जो आपकी है वो इवनली भुने, कहीं से ज्यादा पक जाए या जल जाए और कहीं से कच्ची ना रह जाए। तो ये मूंगफली हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, अब हमें क्या करना है, फ्लेम करें बंद और इसको ठंडा हो जाने दें थोड़ा, और जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसका छिलका उतारेंगे। तो मूंगफली हमारी ठंडी हो गई है, अब हमें क्या करना है, इसको खाली कर लें इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से क्रश कर लें, ताकि इसका छिलका जो है वो पूरी तरह से निकल जाए। और इसके लिए जरूरी है कि आप मूंगफली को ह्यूमनली बहुत अच्छी तरह से भूनें, जैसा कि हमने 5-7 मिनट लगाकर अच्छी तरह से भून लिया है। अगर मूंगफली का छिलका आसानी से नहीं उतर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी मूंगफली अच्छी तरह से नहीं भुनी हुई है। ये देखिए अच्छी तरह से भुनी हुई मूंगफली के छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। मूंगफली को हमने अच्छी तरह से भुनने के बाद छील लिया है, पूरा छिलका उतार लिया है, और जो ये साबुत होती है मूंगफली, इसको हमें इस तरह से तोड़ के दो दो टुकड़े कर देने हैं इसके। तो वो मैंने कर लिए हैं, कुछ के बाकी हैं, वो मैं कर लेता हूं अभी। तो क्या करें, प्लेट में रख के हाथ से इसको प्रेस करेंगे तो वो अपने आप ही दो दो टुकड़ों में टूट जाएगी। जैसे कि ये साबुत मूंगफली है, ये इस तरह से दो भागों में खुल जानी चाहिए। तो ये मैंने क्रश कर लिया अच्छी तरह से, एक आध साबुत रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, वैसे कोशिश करें आप ना रहे तो चिक्की आपकी बड़ी अच्छी जीवन बनेगी। और अब मूंगफली हमारी रेडी है, अब क्या करना है, ये जैगरी है मेरे पास यानी कि गुड़, इसको ग्रेट, ग्रेट करने से क्या होगा कि गुड़ जब हम पकाएंगे तो वो इवनली पकेगा। अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, अब क्या करना है, एक पैन में धीमी आंच पे गुड़ को पकने देना है, थोड़ा गर्म करना है, ये चिपकता बड़ी जल्दी है, और इसको धीमी आंच पे रखना है, तेज आंच पे नहीं रखना है, नहीं तो नीचे नीचे का गुड़ जल जाएगा। और ये जैसे ही गर्म होना शुरू होगा वैसे ही ये सॉफ्ट होने लगेगा और एक चाशनी में कन्वर्ट होने लगेगा। इसको पकने दें धीमी आंच पे, और जब तक हमारा गुड़ पक रहा है, ये जो मूंगफली है इसका हाफ पोर्शन हमें क्रश करना है। तो मैं एक ग्राइंडर ले लेता हूं और इसमें थोड़ी मूंगफली ग्राइंडर के अंदर डाल के एकदम बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा क्रश कर लें। ये हमने फोर्सली क्रश कर लिया है और अब हम गुड़ को पकाते हैं, मीडियम फ्लेम कर दें और इसको पिघलने दें। ये गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हमें क्या करना है, जब तक हमारा गुड़ मेल्ट होता है
एक स्टील की या एल्यूमिनियम की कोई प्लेट ले लें आप, जिसको अच्छी तरह से ग्रीस करना है हमें, ताकि जब ये आपकी चिक्की तैयार होगी वो उस प्लेट पे फैलाएंगे हम और वो अच्छी तरह से बाहर आ सके। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ और ये मेरे पास एल्युमिनियम का मोल्ड है, इसको आप घी बटर जिससे भी आप चाहें उससे अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। ये हमने ग्रीस कर लिया है, गुड़ हमारा पिघल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा गुड़ और इसमें ऐड करना होगा हमें। चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ, इसे बारीक बारीक काट के आप डाल दें। आप चाहें तो इसमें कुछ एसेंस भी डाल सकते हैं अगर आपको कुछ फ्लेवर देना हो इसको तो। वैसे चिक्की जो है उसमें मूंगफली का ही फ्लेवर सबसे अच्छा लगता है, तो हम कोई एक्स्ट्रा इसमें एसेंस ऐड नहीं। और इसको भी अच्छी तरह से मेल्ट करवा लें, पका लें। और गुड़ जब तक पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए, एक स्मूथ सा टेक्सचर ना आ जाए, तब तक उसको पकाते रहना है। बीच में कहीं पे भी अगर गुड़ का लंप रहा तो आपकी चिक्की जो है वो इवन नहीं बनेगी। तो ये हमारा गुड़ जो है काफी स्मूथ हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने मूंगफली भून के रखी थी ये इसमें ऐड कर दूंगा मैं और इसको मिला लेना है। मिलाते ही ये बाइंड होने लगेगा, इसको इस तरह से चलाना है ताकि सारी जो पीनट्स हैं, सारी जो मूंगफली है उस पर गुड़ की कोटिंग आ जाए और साथ में ये जो हमने क्रश करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लें, तो अब हमें क्या करना है, ये जो प्लेट को हमने ग्रीस करके रखा है पहले फ्लेम करें बंद और इसको तुरंत प्लेट पे फैला दें। इसको इवनली स्प्रेड करना है ताकि कहीं मोटी कहीं पतली आपकी चिक्की ना बने, इवन बने। ये हमने इसमें डालनी है। अब क्या करना है, ये मेरे पास एक एल्युमिनियम का मोल्ड है, इसमें लगा लें थोड़ा सा तेल या बटर और इससे इसको इस तरह से दबा के चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर दें। काफी गर्म होता है ये, और स्प्रेड करने के बाद आप चाहें तो चाकू से इसको काट लें पहले ही गर्म नहीं, या चाहें तो ऐसे मोल्ड से गैप बना लें इसमें। या तो इस तरह मोड़ से आप गैप बना लें या फिर चाकू से इस तरह से गरम गरम में ही थोड़ा सा स्पेस बना लें कट का। तो इसको इस तरह से कट लगा लेते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। और अब इसको ठंडा होने देना है, ये ठंडा होने के बाद एकदम बढ़िया सा कड़क हो जाएगा और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो तैयार है आपकी एकदम सिंपल बहुत टेस्टी गुड़ और मूंगफली की चिक्की, यानी कि पीनट जैगरी चिक्की। जरूर ट्राई कीजिए।